लंका की तरफ से एक अच्छा काउंटर अटैक देखने को मिला भारतीय गेंदबाजों के सामने। एंजेलो मैथ्यूज ने शतक लगाया, चंडीमल के बल्ले से भी शतक निकला, वो तो नाबाद है। और जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि टीम इंडिया श्रीलंका की पारी को समेट देगी, ऐसा हुआ नहीं। श्रीलंका की तरफ से कमबैक नजर आया, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है। अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान होगा जो कुछ ही देर के बाद दिल्ली में होगा। सिलेक्शन कमेटी की बैठक जारी है और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल होंगे। साथ ही साथ श्रीलंका के खिलाफ जो T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, 3 T20 मैचेस खेलने हैं, उसके लिए भी टीम इंडिया का चयन आज किया जाएगा। 5 जनवरी से साउथ अफ्रीका का दौरा हो रहा है और श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसे माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये प्रिपरेशन है। विराट कोहली इस टेस्ट मैच के बाद यानी कि दिल्ली टेस्ट मैच के बाद टीम के साथ नहीं होंगे, वनडे सीरीज में वो शिरकत नहीं करेंगे। और साउथ अफ्रीका का दौरा एक बेहद ही अहम दौरा है, 16 सदस्य टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीम मैनेजमेंट एक एक्स्ट्रा प्लेयर को चाहती है, यानी कि 17 खिलाड़ी भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, 16 सदस्य टीम का चयन किया जाएगा। अगर टीम मैनेजमेंट की बात मानी गई तो 17वां खिलाड़ी भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए, इस टीम के साथ किसको ऐड करना चाहिए, किसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, यह बड़ा फैसला सेलेक्टर्स को लेना है। मनी सर, बहुत बड़ा दौरा साउथ अफ्रीका का दौरा और टीम के सिलेक्शन उसके लिए होना है। एक सवाल, एक पेच जो अड़ा हुआ है वो ये कि क्या जसप्रीत बुमराह को अब टेस्ट में टेस्ट करने का मौका आ गया और क्या वो 17th प्लेयर या 16th प्लेयर की स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बहुत कुछ जब टीम सिलेक्शन होता है, आजकल हमने देखा है कि कैप्टन की इतनी अथॉरिटी है कि उसकी बात सुनी जाती है और इस समय कोच भी आपके साथ ऐसे हैं जो कि बहुत अथॉरिटेटिव हैं और बहुत अग्रेसिव हैं, सो उनकी भी बात सुनी जाएगी और जिस तरह का कॉम्बिनेशन वो मांगेंगे उस तरह का कॉम्बिनेशन उनको दिया जाएगा। जहाँ तक जसप्रीत बुमराह का सवाल है, जितनी भी वनडे क्रिकेट उन्होंने खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, एक चीज़ तो उन्होंने बताई है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने जलवा दिखाने के लिए, अपनी छाप छोड़ने के लिए। सिर्फ मेरे मन में एक ही जो डाउट है वो ये है कि वनडे क्रिकेट खेलते खेलते हमने देखा कि इतना लंबा रनअप हुआ करता था, लेकिन अब शॉर्ट रनअप से वो बॉलिंग करने लगे, तो क्या टेस्ट मैच क्रिकेट में वो चल पाएगा, ये देखने वाली बात है। जी हाँ, चलिए बात अब कोटला टेस्ट मैच की भी कर लेते हैं जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने किस तरीके का प्रदर्शन किया। गेंदबाजी की अगर हम बात करें, टीम इंडिया की जो गेंदबाजी रही, 9 विकेट श्रीलंका के चटकाए, ईशान शमी जडेजा सबको 2-2 विकेट मिले। खराब फील्डिंग ने कोटला में विराट का इंतजार बढ़ा दिया है। पहली पारी में श्रीलंका ने 9 विकेट पर 356 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम के स्कोर से 180 रन पीछे है अभी श्रीलंका की टीम। और अगर भारत की गेंदबाजी की बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन ने 90 रन देकर 3 विकेट लिए, अश्विन, ईशान, शमी को 2-2 विकेट मिले, जडेजा। भारत को फील्डिंग में आज काफी ज्यादा खराब फील्डिंग भारत की देखने को मिली, 5 कैच भारत ने टपकाए। खराब फील्डिंग ने कोटला में विराट का इंतजार बढ़ा दिया है। लगातार टीम इंडिया के खिलाड़ी कैच टपकाते रहे और जिसका खामियाजा भी टीम इंडिया को भुगतना पड़ा कि श्रीलंका की टीम फॉलोन से पहले आउट नहीं कर सकी टीम इंडिया उनको, और उन्होंने काफी अच्छा खासा स्कोर बना दिया है। मनी सर, सोचा था क्या क्या हो गया है, तो यही कहावत शायद टीम इंडिया पे लागू हो रही है कि हम लोग सोच रहे थे कि श्रीलंका की टीम जो कि बहुत ही वीक टीम नजर आई है, एक काउंटर अटैक उनकी तरफ से देखने को मिला और इंडिया शायद ये सोच रही थी कि पूरे दिन श्रीलंका की एक पारी तो समेट सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं। देखिए, आपको पारी समेटने के लिए बहुत ज़रूरी है आप कैचेस पकड़ें, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, जो कि इंडियन फील्डर्स ने किया नहीं। और ये पिच मैं कहूँगा बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है और स्लो हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि बॉलर्स के लिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा। ऐसे में जब ऐसी पिच हो तो मुझे लगता है कि फील्डर्स का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज इंडिया टीम को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये श्रीलंका की टीम सर्वाइव कर गई। अदरवाइज़ मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि पूरा दिन खेल जाएगी श्रीलंका की टीम, सो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा और थोड़ी सी प्लान करके क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इंडिया को अगर ये टेस्ट मैच जीतना है। मनी सर, और ये भी शायद नज़र आ रहा है कि अब टेस्ट मैच 5 दिन तक चलेगा, क्योंकि हालात पहले ऐसे लग रहे थे कि शायद श्रीलंका की टीम इतना फाइट बैक ना कर सके, जैसे नागपुर में देखा, कोलकाता में जैसे उनको सेटबैक झेलना पड़ा था, यहाँ ऐसा लग रहा है कि 5 दिन तक अब टेस्ट मैच चलेगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि देखें अभी तो श्रीलंका का 1 विकेट बचा है, वो विकेट लेनी है, उसके बाद फिर इंडिया को एक अच्छी खासी लीड देनी होगी, क्योंकि आज के टाइम में हमने देखा है कि चाहे 5वें दिन ही सामने वाली टीम ने बैटिंग क्यों ना करनी हो, लेकिन एक टारगेट रहता है सामने जो होस्ट टीम है, जैसे इंडिया की टीम है, जब उन्होंने 2nd इनिंग्स में बैटिंग करनी है कि इतना स्कोर बना दे कि श्रीलंका की टीम
वहां तक पहुंच ही ना सके, सो वो काफी टाइम ले सकता है। अब ये देखना है एग्रेसिव नेचर के हैं दोनों कैप्टन और कोच, उनकी किस तरह की अप्रोच रहती है। जी हाँ, और अगर जैसा कि साफ नजर आ रहा है कि पांचवें दिन तक टेस्ट मैच जाएगा, तो इसमें भी श्रीलंका कह सकती है कि उन्होंने कम से कम लास्ट टेस्ट मैच आते आते कुछ संघर्ष किया, कुछ फाइट बैक वहां पे दिखाया। चलिए बात कैचिंग की हम कर रहे हैं, खराब फील्डिंग का खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा कि श्रीलंका ने अच्छा खासा स्कोर बनाया, स्लिप फील्डिंग भी बहुत ज्यादा खराब रही टीम इंडिया। मनीष सर, अगर इस टीम से पहले वाली टीम की बात करें तो आपके पास राहुल द्रविड़ थे, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली भी कई बार स्लिप में खड़े हो जाते थे। आज ढूंढने से भी फील्डर नहीं मिल रहा जो स्लिप में खड़े हो जाए, कम से कम कैच पकड़ ले। नहीं, एक्चुअली जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, मैंने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा और बहुत सीरियस थे वो, जब स्लिप कैचिंग के लिए स्लिप कैचिंग करते थे बहुत सीरियसली करते थे। अभी देख रहा था शिखर धवन को, बहुत कैजुअली जब फील्डिंग कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कैजुअली पकड़ रहे हैं, इसका मतलब कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे। और देखें, आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस हो, इस तरह की फील्डिंग प्रैक्टिस हो, आप वो कैरेक्टर अपना बिल्ड करते हैं जिसको कि आप मैदान पर लेके जाते हैं। और अगर आप कैजुअली कर रहे हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो वही मैदान के ऊपर होता है जिसकी वजह से इतनी कैचेस छूटती हैं, क्योंकि शिखर धवन को आपने देखा स्लिप से खूब कैचेस छोड़ते हैं। इस समय अगर बेस्ट फील्डर्स इंडिया में हैं स्लिप के लिए, मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन है। और अगर वो सोच रहे हैं कि उनकी उंगली में चोट लग जाएगी कहीं और फिर वो बॉलिंग ना कर पाए, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए शेन वॉन किया करते थे स्लिप्स में फील्डिंग, पूरा करियर उन्होंने स्लिप्स में फील्डिंग करके और ठीक ठाक बॉलिंग करते थे। और ठीक ठाक क्या, 700 से ज्यादा विकेट लिए। शायद विराट कोहली को 3-4 प्लेयर्स को चूज भी करना पड़ेगा कि शायद ये खिलाड़ी है जो स्लिप के लिए बेस्ट है। ये नहीं लग पा रहा कि शिखर धवन जिस तरीके से वो कैच छोड़ रहे हैं, रोहित शर्मा, ये एक नेचुरल कह सकते हैं स्लिप फील्डर नजर नहीं आ रहे। नेचुरल तो नहीं है इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं एक चीज में मानता हूं कि अगर आप मेहनत करें, आप अगर सिंसियरली प्रैक्टिस करें, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और इन खिलाड़ियों विराट कोहली ने मनी से जिस तरीके से कैच ड्रॉप किया, क्योंकि वो एक अच्छे फील्डर जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी स्लिप में कैच ड्रॉप कर दिया जो कि बिल्कुल हाथ में आया था। देखिए, स्लिप कैचेस इतना आसान नहीं है, आपको खूब प्रैक्टिस करनी होती है इसके लिए। और ऐसा नहीं है कि आप आउटफील्ड की प्रैक्टिस करके आए, स्लिप में खड़े हो जाए और कैचेस पकड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे फील्डर हैं, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन ये चिंता का विषय है, साउथ अफ्रीका जाना है और वहाँ पर इस तरह की पिचेस मिलेंगी जहाँ स्लिप्स में बार बार कैचेस आ सकती हैं, और अगर ये हाल रहा तो फिर वहां जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, रिफ्लेक्सेस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैं, रिफ्लेक्सेस अच्छे रहेंगे तो आप कैच पकड़ेंगे, क्योंकि अनलाइक दूसरी पोजीशन से थोड़ा सा डिफरेंट होती है स्लिप की फील्डिंग। जिस तरीके का कैच रिद्धिमान सहा ने पकड़ा विकेट के पीछे, शायद सहा एक बेहतर कीपर होते जा रहे हैं, और आपको बल्लेबाजी में शायद इतना कॉन्फिडेंस विराट उन पर ना दिखाते हो, थोड़ा नीचे वो बल्लेबाजी करने आते, लेकिन कैचिंग विकेट कीपिंग इसमें तो टेस्ट मैच के लिए फिट है। रिद्धिमान सहा, मैं पिछले 10-12 साल से इनको विकेट कीपिंग करते हुए देख रहा हूँ, और मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कीपर है। इनका ग्लव वर्क टेक्निकली अगर आप देखें तो बेहतर है। महेंद्र सिंह धोनी एक बेहतरीन बैट्समैन है जिसका उनको बहुत एडवांटेज मिला, और बॉल सेंस बहुत अच्छी है जिसकी वजह से टेक्निकली साउंड ना होते हुए भी उन्होंने इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं विकेट कीपिंग में भी। ये रिद्धिमान शाह की बैड लक है कि महेंद्र सिंह धोनी जब इतनी बढ़िया लय में थे, इतनी बढ़िया फॉर्म में थे, वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं।